हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे ज्ञान प्रयोग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे अप्रेंटिस से रिलेटेड, जो अभी लेटेस्ट निकाल के आई है भारत सरकार की तरफ से। एलएमको आप लोग नाम सुने होंगे, अगर एलएमटो नाम नहीं भी सुने हैं तो इस वीडियो में मैं डिटेल में उसके बारे में बताने वाला हूँ। जो अप्रेंटिस निकल के आई है, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, किस तरह से इसको अप्लाई करना है, तो चलिए चलते हैं उसका ऑफिशियल वेबसाइट पे और उसका नोटिस पे जाके देखते हैं किस तरह से उसका नोटिस में दिए गए हैं पॉइंट्स वगैरह, किस तरह से अप्लाई करना है, एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन किस तरह से दिया गया है, सारी डिटेल में हम लोग बात करेंगे। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका लिंक दिया गया है, देखिए alimco.in। अब इसका ऑफिशियल नोटिस को मैं ऑलरेडी पहले से डाउनलोड करके रखा हूँ, इसीलिए अभी डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया गया नोटिस है। दोनों ही का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट का भी और ये PDF का भी दिया गया है। तो सबसे हेडिंग में जो दिया गया है, यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, विषय में दिया गया है ट्रेड अप्रेंटिसशिप, XITI के लिए 1 वर्ष से अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण कार्यक्रम दिया गया है। उम्मीदवार क्या क्या होना चाहिए, वो सबका रूल रेगुलेशन यहाँ पे पॉइंट्स वाइज दिए गए हैं। एक एक करके हम लोग देख लेते हैं, सबको मैं बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी जल्दी लंबी हो जाएगी, इसीलिए इम्पोर्टेंट मैं बता दे रहा हूँ एक दो, बाकी आप लोग डिटेल में वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड करके अच्छी तरह से एक बार पढ़ के समझ लें। पहला पॉइंट जो दिया गया है, इसको अप्लाई करने के लिए भारत का नागरिक होना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट दिया गया है, यहाँ पे देखिए 1/7/2020 को अगर कैलकुलेट करें इस डेट के आधार से तो न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए, और बाकी ऐसे ही काफ़ी सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। अब ये सब कंप्लीट हो जाने के बाद जो सिलेक्टेड हो जाते हैं वो सबके लिए 1 वर्ष का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग मिलेगा। आप बात करते हैं इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता और किस पोस्ट में न किस ट्रेड में कितने कितने वैकेंसी है, वो सब बात करते हैं। पहला तो क्रमांक संख्या, फिर ट्रेड, उसके बाद दिया गया है क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता, उसके बाद कितने वर्ष का होगा, उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है, SC ST OBC सामान्य वर्ग इस तरह से। जैसे पहला वाला दिया गया, देखिए फिटर के लिए 10+2 दिया गया है, विज्ञान तथा गणित विषय, साथ ही साथ यहाँ पे 10वीं कक्षा या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, 1 वर्ष के लिए रहेगा, जिसमें से SC के लिए दिया गया 3, ST के लिए 1, OBC के लिए 5 और 11 दिया गया है सामान्य वर्ग के लिए, टोटल 20 वैकेंसी दिया गया है। इलेक्ट्रिशियन की बात करें तो सेम क्वालिफिकेशन इसमें भी मांगा गया है, विज्ञान गणित में 1 वर्ष का इसमें भी दिया गया है, 1 वैकेंसी दिया गया है SC के लिए, 2 OBC के लिए, 5 सामान्य वर्ग के लिए, टोटल 8 हो जाते हैं। इस तरह से जितने भी यहाँ पर देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल के लिए दिया गया है, कारपेंटर के लिए दिया गया है, मैकेनिस्ट के लिए भी यहाँ पे दिया गया है अप्रेंटिस, टर्नर के लिए दिया गया है, वेल्डर के लिए दिया गया है, गैस एंड इलेक्ट्रिक के लिए दिया गया है, उसके बाद यहाँ पे मैकेनिक मशीन टूल्स के लिए दिया गया है, प्लम्बर के लिए दिया गया है, उसके बाद कोपा यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए भी वैकेंसी यहाँ पर दिया गया है अप्रेंटिस के लिए। टोटल कुल वैकेंसी की बात करें तो 74 टोटल वैकेंसी दिया गया है, और ये सब के सब यहाँ पे 1 वर्ष के लिए ही अवधि दिया गया है। चयन की प्रक्रिया हम लोग देख लेते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रत्येक ट्रेड के लिए ITI होना चाहिए एवं हाई स्कूल में 50% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी की एक साझा सूची तैयार की जाएगी, और प्रशिक्षण के लिए उम्मीदवारों का चयन सच्चता दक्षता परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। सबसे पहला तो रहेगा कि ITI कंप्लीट एवं हाई स्कूल में 55% मार्क होना ही चाहिए, उसके बाद ही वो लोग सिलेक्ट हो जाएंगे नेक्स्ट जो एग्ज़ाम वगैरह होगा, उस एग्ज़ाम में अगर पास कर जाते हैं तो अप्रेंटिस के लिए आप लोग सिलेक्ट हो जाएंगे। अब इसको अप्लाई किस तरह से करना है, अप्लाई करने के लिए पहले डेट देख लेते हैं हम लोग, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यम से इसको अप्लाई कर सकते हैं। अंतिम तिथि दिया गया है 20/7/2020। उसके बाद इसका जो आवेदन पत्र वगैरह जो मिलेगा उस इसी वेबसाइट से मिलेगा, www.alimco.in पर उपलब्ध है बताया जा रहा है। उसके बाद नोट देखिए, आवेदन पत्र स्पीड पोस्ट
रजिस्ट्री डाक या ऑनलाइन के माध्यम से ईमेल, यहाँ पे जो मेल आईडी दिया गया है, पर स्वीकृत किए जाएंगे। यानी कि स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं, रजिस्ट्री डाक के द्वारा कर सकते हैं, या तो फिर इसमें मेल करके भी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे ईजी दिया गया है, सिर्फ मेल कर देना है। अब किस तरह से करना है नीचे हम लोग को मिल जाएगा। कोई भी आवेदन निगत में हस्तगत स्वीकृत नहीं किए जाएंगे, यानी कि बाय हैंड अगर जमा करना चाहते हैं हाथों हाथ जाके, तो वो स्वीकृत नहीं किया जाएगा। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए क्या क्या जरूरी पड़ेंगे वो सब पॉइंट अच्छी तरह से पढ़ के समझ लें। जैसे तीसरा नंबर पॉइंट दिया गया है, देखिए, उम्मीदवार अपना कोई भी मूल प्रमाण पत्र संलग्न ना करें, कोई भी अटैच ना करें, आप लोगों का मूल प्रमाण पत्र उसमें अटैच नहीं होना चाहिए। इस तरह से काफ़ी सारे पॉइंट्स दिए गए हैं जो आप लोगों को अप्लाई करते टाइम बहुत ही सावधानीपूर्वक पढ़ के समझ के करना होगा। आधार कार्ड वगैरह दिया गया है, देखिए, हाई स्कूल या उसके समकक्ष परीक्षा का अंक पत्र वगैरह यहाँ पे मांगा गया है। तो इस तरह से जो जो यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं उसके आधार से ही इसको अप्लाई करना होगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक आवेदन पत्र मिलेगा जिसको प्रिंट आउट करके अच्छी तरह से यहाँ पे फिलअप करना होगा। उसके बाद अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने का तरीका मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता दिया है। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह से नोटिफिकेशन अगर पाना चाहते हैं डेली, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल घंटी को भी दबा लें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे।